नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। इंसुला के सामने दुश्मन होंगे बस, समुद्र में उतरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना को सौंपी गई। महबूबा के फिर बिगड़े बोल, कहा कश्मीर को साथ रखना है तो 370 को फिर बहाल करना होगा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कश्मीर से दूर रहने की चेतावनी, 17 घंटे में 2 बार मिली जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के आरोप को किया खारिज, कहा देशमुख मामले में जांच में नहीं दे रहे दखल। उत्तर भारत में बड़ी ठंड, शीतलहर की आशंका, मौसम विभाग ने दी जानकारी, किया अलर्ट। कर्नाटक में 15 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्र सरकार ने बढ़ाए कदम, कैबिनेट को मिली मंजूरी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन, केवल सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को इजाजत। सुखबीर सिंह बादल ने किया बयान, किया दर्द, बोले बीजेपी ने बात सुनी तो होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। ममता ने कांग्रेस को दिया एक और झटका, आधे से अधिक विधायक टीएमसी में होंगे शामिल। गुजरात में कार्यकर्ताओं से अमित शाह बोले, इस बार 182 सीट जीत कर तोड़ना है रिकॉर्ड। बिहार में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वालों को सरकार देगी इनाम, घर ले जा सकते हैं ये सामान। बिहार में सीएम नीतीश की शराबबंदी पर बीजेपी से फिर उठे सवाल, विधायक ने कहा बर्बाद हो रही नई पीढ़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी पर नीत कौर पर कार्रवाई की तैयारी, नोटिस जारी कर लगाया बड़ा आरोप। बंगाल के बीरभूम में डीएमसी के 2 गुटों में झड़प, देसी बम फेंके गए 6 लोग। दल में बगावत कर चुकी कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह व बसपा विधायक बन्ना सिंह भाजपा में शामिल। राष्ट्रपति कोविंद बोले, जाति संप्रदाय से ऊपर उठे तो जहां रहेंगे वहीं बनेगा स्वर्ग। सीबीआई ने मनीष के दोस्तों के दर्ज किए बयान, घटना का रिक्रिएशन भी कराएगी जांच एजेंसी। कानपुर में राष्ट्रपति की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट रीक, 76 पन्नों की बुकलेट हो गई वायरल। बरेली में टला बड़ा हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस में डबल डेकर बस ने मारी टक्कर, 35 हुए घायल।
आगरा में एक युवक की हुई थी गोली मारकर हत्या, अधिवक्ताओं समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज, मामूली विवाद में चली गोली। बुलंदशहर में मामूली विवाद में चली गोली, गोली लगने से युवक की हुई मौत। फतेहपुर में नई थमरा रफ्तार का कहर, बस और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। फतेहपुर में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की हुई मौत। मिर्जापुर में असला धारकों पर कसा पुलिस का शिकंजा, 5 लाइसेंस धारकों का हथियार जब्त। शाहजहांपुर में स्कूली छात्र की हत्या का मामला, तो आरोपियों को मिली सजाए मौत। सहारनपुर में कमिश्नरी बैठक का हुआ आयोजन, भूपेंद्र चौधरी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव का हुआ आयोजन, सिंगर सुखविंदर सिंह ने की महोत्सव में शिरकत। सोनभद्र में दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। उन्नाव में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, हृदय नारायण दीक्षित ने की आंदोलनकारियों को चेतावनी। औरैया में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा आया सामने, कबाड़ की दुकान पर बिका अस्पताल का सामान। बुलंदशहर में सपा पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले लगाए पोस्टर। चंदौली में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, रोड और नाली को लेकर किया प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में भाजपा नेता के अस्पताल में हंगामा, मरीज की मौत से गुस्साए परिजन। महोबा में ग्राम प्रधान ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, विद्युत कटौती को लेकर की शिकायत। महोबा दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, 27 नवंबर को जाएंगी प्रियंका गांधी। बलिया में किसान की गन्ने की फसल में लगी आग, पराली जलाने से किसान की फसल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में जिले में नहीं थम रहा ओवरलोड ट्रकों का निकलना, ओवरलोड मोरंग लदे ट्रक ने किसान को रौंदा, किसान की मौके पर हुई मौत। कानपुर में बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को दी चुनौती, कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर की लूट, ज्वेलर्स पिता पुत्र की गोली मारकर लूटा बैग। राष्ट्रपति ने किया स्मारक सिक्के का विमोचन, राज्यपाल ने भेंट की इतिहास पुस्तक की प्रथम प्रति। प्रयागराज में पति पत्नी तथा दो बच्चों को धारदार हथियार से मारा, शव नहीं उठाने से दे रहे गुस्साए लोग।
आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत का अभियान, कहा कृषि कानून रद्द करने से नहीं होगा समाधान। अफसरों ने ली राहत की सांस, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा आना स्थगित। गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ छात्रावास का आवंटन, 10 दिन में जमा करनी होगी फीस। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 को जाएंगे गोंडा, देश के सबसे बड़े डिस्टिलरी प्लांट की रखेंगे आधारशिला। अल्मोड़ा में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जेल में रेड, रेड में कई प्रतिबंधित सामान बरामद। चंपावत में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। देहरादून में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी बीजेपी। देहरादून में आगामी 2022 की रणनीति पर हुआ मंथन, बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। धनौरी में कल मनाया जाएगा संविधान दिवस, कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहेंगे मौजूद। हल्द्वानी महोत्सव का हुआ आगाज, 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। मूलदासपुर में ग्रामीणों में भारी आक्रोश, पानी की निकासी को लेकर गुस्साए ग्रामीण। ऋषिकेश में मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे, एसओजी कार्यालय में दिखाए फोन। भाजपा ने चुनावी रोडमैप पर किया मंथन, 2 दिनी दौरे पर उत्तराखंड चुनावी प्रभारी। एक बार फिर विवादों में खानपुर विधायक चैंपियन, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, ऑडियो हुआ वायरल। जोशीमठ के किमाड़ा में और साइया के टिपराण गांव में जश्न का माहौल, पथरीली डगर पर सफर से मिली आजादी। गोलापार से लेकर हल्दूचौड़ तक हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसान हुए परेशान। उत्तराखंड में गठबंधन के जरिए धरातल मजबूत करने में जुटी सपा, सभी 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। देवस्थाना बोर्ड पर पीएम मोदी के दौरे से पहले निर्णय ले सकती है उत्तराखंड सरकार, तीन पुरोहित कर रहे विरोध। उत्तराखंड सरकार के नए आदेश से खनन कारोबारियों को बड़ी राहत। महिलाओं पर भी बेरहम हुआ चीन, टेनिस खिलाड़ी पिंग के बाद झांग पर चीनी हुकूमत का जुल्म। फ्रांस से ब्रिटेन जाने वाले 31 शरणार्थियों की मौत, ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने जताया अफसोस।
अमेरिका में बच्चों को तेजी से शिकार बना रहा कोरोना, 7 दिन में 1.41 लाख संक्रमित। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 100 आतंकियों को छोड़ा भड़का विपक्ष। कंगाल हुआ पाकिस्तान, इमरान खान बोले सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं। अधिकारी ने पाकिस्तान सरकार का उड़ाया मजाक, इमरान खान ने दिया जांच का आदेश। नफ्ताली बेनेट बोले ईरान को एटमी हथियार नहीं बनने देंगे, कोई भी डील नामंजूर। एंजेला मर्केल युग का हुआ अंत, ओलाफ शॉल्ज बनेंगे जर्मनी के नए चांसलर। लोकतांत्रिक देशों के सम्मेलन में अमेरिका का ताइवान को बुलावा। अफ्रीकी महिला ने भगवान विष्णु पर लिखी ऐसी किताब, मुस्लिम ईसाई भी कर रहे तारीफ। दिसंबर में किसानों के लिए सौगात, अगले महीने आएगा 10वीं किस्त का पैसा, पीएम किसान योजना की अगली किस्त होगी जारी। SBI ने डिजिटल लेन देन रिफंड ना देने की रिपोर्ट पर दी सफाई, कहा ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं। पीएम आवास योजना लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 3.61 लाख घरों के निर्माण को मिली मंजूरी, केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में लिया गया फैसला। नीति आयोग ने दिया डिजिटल बैंक के गठन का प्रस्ताव, बिना किसी ब्रांच वाले ये बैंक देंगे सभी सेवाएं। भारत का विकास के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन, दूसरी छमाही का अनुमान बढ़ा रहा उम्मीदें। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुले, रिलायंस का शेयर सबसे ज्यादा फायदे में। बैंक से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले हो जाएं सावधान, मोदी सरकार ऐसे करेगी पाई पाई वसूल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में फिर समय लगा पका भोजन, रेलवे बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। LTC क्लेम को लेकर बड़ी खबर, इस तारीख तक रसीद देकर क्लेम ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। पोस्ट ऑफिस की सुपरहिट स्कीम किसान विकास पत्र स्कीम में असीमित निवेश कर सकते हैं, असीमित निवेश KVP में 10 साल में पैसा हो जाता है दुगना। हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई अपनी ताकत, WBBL में हासिल किया सबसे बड़ा अवार्ड। सुनील गावस्कर ने की कानपुर के पिच की तारीफ, बोले खुद चुनिंदा खिलाड़ी कर सकते हैं 5 दिन बल्लेबाजी। इरफान पठान ने बताया न्यूजीलैंड का सिर्फ केन विलियम्स भारत को दे सकता है चुनौती।
भारतीय दिग्गज का दावा, टीम इंडिया में काफी स्थिरता लाएंगे कोच राहुल द्रविड़। खराब फॉर्म बोलने वालों पर भड़के अजिंक्य रहाणे, सिर्फ शतक बनाने वाले ही टीम के लिए अहम नहीं होते। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज ने लिया संन्यास, गेंदबाज के रूप में किया था करियर शुरू। चेतेश्वर पुजारा ने किया जीत का दावा, कहा युवा खिलाड़ी ऑस्ट्रिया में कई कारनामे को दोहराएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमीरात क्रिकेट बोर्ड के नई यूएई के टी20 लीग में खरीदेगी टीम। केएल राहुल कर सकते हैं आईपीएल 2022 में लखनऊ फ्रेंचाइजी की कप्तानी। आकाश चोपड़ा ने आरसीबी के लिए चुने चार खिलाड़ी, ग्लेन मैक्सवेल को किया बाहर। वरुण धवन और कीर्ति सेनन की भेड़िया का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पंकज त्रिपाठी ने शुरू की शेरदिल की शूटिंग, पंकज इस फिल्म में लीड रोल में आएंगे नजर। विक्की कैटरीना के साथ सेल्फी नहीं ले सकेंगे गेस्ट, शादी में मेहमान के लिए डिक्टेट जारी करेगा कपल। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर मुकेश खन्ना बोले, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बचकाना था, विवादित बयान देना बंद करो। अनुपमा और अनुज जल्द लेने वाले हैं सात फेरे, सीरियल के सेट से लीक हुई हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें। सलीम खान ने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया 86वां बर्थडे, सलमान खान ने आधी रात में डैड को किया विश। आर्या 2 का ट्रेलर लॉन्च, शेरनी वन दुश्मनों से लड़ते दिखी सुष्मिता सेन, सुहाना खान का टूटा दिल। सुहाना खान का टूटा दिल, न्यूयॉर्क छोड़ने पर भावुक हुई शाहरुख खान की लाडली, तस्वीर शेयर कर बताई फीलिंग्स। रश्मि देसाई ने मालदीव से शेयर की फोटोज, समंदर किनारे बैठकर पोज देती आई नजर। रणवीर सिंह की फिल्म 83 के ट्रेलर 1 या 2 दिसंबर को होगी रिलीज। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।